देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ों या मैदान, सभी जगह एक सा हाल है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भागीरथी का इस बार रौद्र रूप दिखा है। नदी उफान पर है, ऐसे में गंगोत्री धाम किनारे बने आश्रम पर खतरा मंडराया हुआ है और नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते गंगोत्री धाम में घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि अगले कुछ दिन नदी के पास जाने से बचें। तो श्रद्धालुओं से यह अपील लगातार हो रही है कि नदी के आसपास जाने से बचें, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगोत्री धाम के जो घाट हैं उन्हें साफ तौर पर नुकसान हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो भर गया है। इस बार ये अलग ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इस वजह से भागीरथी का जहाँ रौद्र रूप देखने को मिला है तो निचले इलाके जो है वो खाली करवा दिए गए हैं और नदी में जाने से इस वक्त बचने के लिए कहा गया है। बढ़ते आगे, केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर से 670 और पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी भी 400 यात्रियों का रेस्क्यू करना बाकी बताया जा रहा है। केदारनाथ से 350 और भीमबली से करीब 50 लोगों का रेस्क्यू होना है। बीते 4 दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,374 श्रद्धालुओं को निकाला जा चुका है सुरक्षित। और उधर देहरादून कंट्रोल रूम से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, केदार घाटी की तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि मौसम खराबी के चलते दिक्कतें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में आई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 670 लोगों को निकाला गया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से और 660 लोगों को पैदल रास्तों के जरिए निकाला गया है। चलिए अब बात महाराष्ट्र और गुजरात में पानी की कहर की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर पानी का प्रहार जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और मालेगांव के साथ गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग जिले में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नासिक, पुणे, मालेगांव, डांग गुजरात की, वलसाड गुजरात की, नवसारी गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। तो कुदरत का कहर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चाहे पहाड़ की बात कर लें या फिर मैदानों की बात कर लें, आप जहां नजर डालेंगे सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीरें देखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रकृति के प्रहार की डराने वाली तस्वीरें, पहाड़ से मैदान तक नदियों में उफान, मुसीबत की बारिश, आफत में जान। सावन के महीने में कुदरत की ताकत इंसानों के लिए फिर से चुनौती बन गई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक शहर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गोदावरी जल प्रलय की वजह बन गई है। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सैलाब का पानी धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है और आबादी वाले इलाकों पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि गोदावरी के नजदीक बने मंदिर, सड़क और पुल सैलाब में समा चुके हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे सैलाब ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। शहर का एक बड़ा हिस्सा किसी झील में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। यहाँ एक वाटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से 1000 से ज्यादा सैलानियों की जान पर बनाई। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे इन लोगों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। गुजरात के डांग में सैलाब ने कहर बरपा रखा है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि कई जगहों से पहाड़ी इलाकों में भयानक झरने फूट पड़े हैं, जो एक नए खतरे को दावत दे रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री लगातार उफान पर बनी हुई है। बेकाबू सैलाब का स्तर इतना हो चुका है कि गंगा घाट और आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगोत्री का पानी भागीरथी शिला के नजदीक तक पहुंच चुका है और अब देखिए सोन प्रयाग से आई ये तस्वीरें, जहां केदार घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। केदार घाटी में आई प्रलय के बाद इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी नदी ठीक मेरे नीचे है, न्यूज 18 इंडिया वहां पर उस तस्वीर को कैद करने के लिए यहां पर आया, क्योंकि एक बड़ा जोखिम वाला यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इस वक्त एक तरफ सेना पुल बना रही है, दूसरी तरफ यहां पर एनडीआरएफ जो है इस तरह की रस्सी को यहां पर लटकाकर उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होती है, इसलिए उसे यहां पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं भी यहां पर कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ठीक पीछे यहां पर गहरी नदी है और मंदाकिनी नदी के पास से यह ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है। इस खतरनाक ऑपरेशन में एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं, जो हालात की पल पल निगरानी कर रहे हैं। अभी तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, सही होगा, फिर भी दोनों साइड लुकआउट मैन रख करके यात्री अगर आएंगे तो उनको असिस्ट करते हुए इधर को लेके आएंगे। अभी ये लग रहा है सर आप लोगों के अभी ऊपर और से? हाँ, अभी तो लिंचोली में है, अगर वेदर क्लियर होता है तो हेप्टर रेस्क्यू होगा, और जो गौरीकुंड में है लोग यात्री तो वो यहाँ से मैनुअली आएंगे। लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहां पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे, अब दूसरी लोकेशन को यहां पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है। और ये अस्थायी पुल यहां से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। 31 जुलाई को हुई प्रचंड बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अभी तक कई लोग लापता हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव की लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार मोर्चा संभाले रखा है। दूर दराज के इलाकों में बचाव दल की टीमें दिन रात लापता लोगों को तलाश रही हैं।